हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पार्थ एटीट्यूड एंड आई एम पार्थ प्रति मजुमदार और आप लोग देख रहे हैं ये टॉपिक। तो क्या है टॉपिक? डोंट चूज साइंस एज करियर। तो मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्या मकसद है मेरा एंड क्या वजह है जिस वजह से आप लोग चूज नहीं करेंगे, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आखिर तक। और यार हाँ, एक छोटी सी बात है, आखिर में कुछ एक मज़ेदार सी चीज है जो मैंने बनाई है स्पेशली आपके लिए, तो देखिएगा एंड मुझे बोलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, साइंस हम लोग को लेना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? बहुत सारे रीजंस है। अब कोई कोई बच्चे बोलते हैं कि अरे यार मेरे को तो लेना था साइंस, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे तो ड्रीम खराब हो गए। मैं ये वीडियो क्यों देखा? दिखना ही नहीं चाहिए था। तो देखो अच्छे से, ध्यान से समझो। पहला है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो बहुत बच्चे हैं ना, उन लोग को परसेंटेज अच्छे मिलते हैं, उस चक्कर में वो लोग साइंस ले लेते हैं। और बहुत बच्चे को साइंस ले नहीं पाते क्योंकि उन लोग को परसेंटेज नहीं मिलते। तो होता क्या कि परसेंटेज के साथ, मतलब क्लास टेंथ का और साइंस लेने के साथ कुछ भी संपर्क नहीं है। तो अगर कुछ भी संपर्क नहीं है तो हमें इस बेसिस पे साइंस को नहीं लेना चाहिए। मतलब कि अगर आपको 90% मिल गए, मान लो मिल गए, तो आप तब भी साइंस नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 90% मिला है तो उसका ये मतलब नहीं कि आपका साइंस और मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। वो तो अपने सोशल स्टडीज, इंग्लिश, एसएमएस, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ा था। तो उस बेसिस पे ये डिसीजन लेना बिल्कुल गलत है, जो कि बहुत लोग लेते हैं। तो ये मेजर पॉइंट एक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यार, ये प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट। अब होता क्या यार, देखो बहुत बच्चे साइंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि साइंस लेने से एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने से एक बहुत ही अच्छी छोकरी मिलेगी, फिर बड़ी बड़ी गाड़ी होगी है ना, बड़े बड़े घर होगा। तो ये ख्याली पुलाव, एक ख्याली दुनिया में वो लोग घुस जाते हैं कि हाँ यार मेरे को अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है ऐसा। आपको मतलब गुड प्लेसमेंट मिलना है तो आपको मेहनत करना होगा, वो आप आर्ट्स में, कॉमर्स में, कहीं भी कर सकते हो। तो इस पॉइंट पे जो है हमको ध्यान में रखना है कि प्लेसमेंट की वजह से हम लोग को साइंस नहीं लेना है। साइंस लेना है तो बस कुछ फैक्टर्स है जो आप जानते हो, इंटरेस्ट है, पैशन है, अच्छा लगता है पढ़ के, पढ़ पाते हो, ठीक है, प्लेसमेंट की वजह से नहीं है, ये याद रखना। और थर्ड आता है रेपुटेशन। ये तो भाई शर्मा जी का बेटे ने साइंस ले लिया, अब मेरे को भी लेना है ना। तो बहुत लोग को लगता है कि यार मेरे को परसेंट भी अच्छे मिले हैं, यार मैं, लोग भी मुझे बोलते हैं कि कर लो, मुझे भी लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एंड मेरे को प्लेसमेंट की भी टेंशन, यार मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, एटलीस्ट रेपुटेशन तो है, मैं एक डॉक्टर तो बन जाऊँगा, मेरे नाम के गई ये DR तो लग जाएगा है ना, डॉक्टर बनूंगा तो मेरे नाम के गई है, क्या लगेगा, ये DR लगेगा है ना। तो देखो रेपुटेशन के चक्कर में नहीं जाना है। आपका रेपुटेशन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप मतलब साइंस ले रहे हो तो ही आपका मतलब बहुत बड़ा होगा, खराब भी हो सकता है, होता भी है ना। तो रेपुटेशन के चक्कर में साइंस नहीं लेना है, और बहुत लोग लेते हैं। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, इतना इनफॉर्मल, ये फॉर्मल है, बहुत ही फॉर्मल है ना। तो ये ध्यान में रखना है, रेपुटेशन, रेपुटेशन आपका हाई होने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत लोग लेते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लिया था तो मेरे को पता है। तो क्या है, दोस्त क्या ले रहा है? तो हम लोग आखिरी मतलब आखिर में क्या करते हैं पता है यार, हम लोग पूछते हैं किसी से कि भाई भाई तूने है ना, तूने क्या लिया, ठीक है, मतलब तूने क्या लिया, साइंस लिया, तो मैं भी साइंस ही लूँगा है ना। तो और भी आपका अगर कोई खास दोस्त हो गया, मतलब दोस्त से भी थोड़ा ऊपर हो गया, अगर वो भी साइंस ले रही है या रहा है तो आप भी साइंस ही लोगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ में पढ़ना है आपको, सारी जिंदगी बितानी है उसके साथ में है ना। तो ये सब होता है, मेरे को पता है। आप लोग साइंस, आप सोचते हो कि अरे यार मैं तो आर्ट्स लेने वाला था, लेकिन वो साइंस ले रही है या वो साइंस ले रहा है तो आप भी साइंस ही लोगे, क्योंकि आपको ईगो का हर्ट हो जाएगी, अरे यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आर्ट्स ले लूँगा वो साइंस ले लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। सूट बूट में आया कन्हैया कॉलेज में, अपने DSLR को लेकर बाइक के पीछे बिठाऊंगा, एक साथ कॉलेज में जाएंगे है ना, कैंटीन में एक साथ खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो ये सब जो है पॉइंट, ये सब पूरा प्रैक्टिकल पॉइंट है जो मैं आप लोग को अभी बोला, एंड इस बेसिस पे आपको साइंस नहीं लेना है। तो डोंट चूज साइंस एज करियर ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, गुड प्लेसमेंट है ना, रेपुटेशन, फिर दोस्त क्या ले रहा है। तो ये सब पॉइंट की वजह से बहुत बच्चे लेते हैं। और मेरा मकसद क्या था, देखो यार अभी बहुत सारे बच्चे क्या है, एडमिशन लेंगे
साइंस में लेंगे, आर्ट्स में, कॉमर्स में लेंगे, तो ये बेसिकली साइंस को आप कॉमर्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, आर्ट्स से भी। लेकिन मैंने साइंस क्यों लिखा, क्योंकि साइंस में बहुत बच्चे का एक मतलब ख्याली पुलाव है कि रेपुटेशन भाई बहुत बड़ा है साइंस में, भाई छोकरी मिलेगी मेरे को, नौकरी मिलेगी, और भी बहुत कुछ मिलेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग को नहीं भागना है, रेट रेस में नहीं भागना। ये रेट रेस जो होता है ना, ये मतलब एक ही डायरेक्शन में भागते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में। अगर मैं साइंस ले रहा हूँ तो ये भी लेगा साइंस, ये भी लेगा साइंस, ये भी लेगा, आखिर में होता है जॉब, है ना, आपको कुछ पैसे मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, मनी में मिलेंगे, कुछ भी मिलेंगे, आप इसी के चक्कर में भागते रहते हो, रेपुटेशन के चक्कर में भागते हो आप, प्लेसमेंट के चक्कर में भागते हो आप, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो को देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, पार्थ एडिटिव। यहाँ पे आपको बहुत ही ऐसी खास वीडियोस मिलने वाली है थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के साथ। तो चलो यार, और हाँ कुछ है आखिर में तो देखो बस, बाय बाय। यह धारावाहिक काल्पनिक है और इसे देख के अपने विचार ना बदले। तो देखिए अर्जुन की कहानी उसी की जुबानी। प्रणाम पापा। हाँ अर्जुन बेटा बोल। पापा, पापा मैंने साइंस में लेनी है। मारा बेटा साइंस लेगा और इंजीनियर बन के दिखावेगा मारा बेटा। पापा इन्हें बातों पे ध्यान मत दो। बावड़ा हो गया कि तू ध्यान मत दो, के बनेगा तू? पापा बनना तू साइंस है, रैपर बनेगा तेरी ये बैरियर, एंजाइटी और डिप्रेशन में डूबेगा तू, जम कर मचा ले, अपने आप को तो संभाले, रेपुटेशन के चक्कर में अपने ड्रीम को दबा ले।